हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कौन? वेलकम टू आवर चैनल। अभी अभी हार्दिक का शाम का स्नैक्स हो गया। क्या क्या खाया बताओ? ब्रेड बटर और गाखीर। गाखीर मतलब मिल्क। ब्रेड बटर और मिल्क खाया। और आज से हार्दिक का शुरू हो गया है समर वेकेशन। हाँ, फिर भी मेरा छुट्टी भी नहीं, फिर भी आज स्कूल है और क्लास और उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। बोल रहा है फिर भी मेरा छुट्टी नहीं है, इसका आर्ट स्कूल है और कराटे क्लासेस है। उसको कुंफू ऐसे ही बोलता है, कुंफू रो बासाओ निर्वा, कुंफू कराटे क्लासेस है वे बोल रहा है। और जो भी हो स्कूल, हाँ, एक मंथ से ज़्यादा ही मिला क्योंकि आज 23 तारीख है जून का, तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। इधर का 7 दिन ले लो और पूरा जुलाई का मंथ देखो कैसे नौटंकी कर रहा है। तो स्कूल बंद रहेगा। हाँ, वैसे आर्ट भी बंद रहेगा। आर्ट कल और परसों होगा, मतलब सैटरडे संडे होगा। फिर जुलाई से आर्ट क्लासेस भी बंद रहेंगे। स्कूल और आर्ट क्लासेस दोनों बंद, सिर्फ कराटे क्लासेस रहेगा, ऑल टाइम रहता है ये सब। अगर छुट्टी दे देना छुट्टी देंगे ना तो बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी हार्दिक का एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ ये सब बंद ही है। फिर मुझे मंडे से फिर कंटिन्यू करना है कराटे क्लासेस। ना जोरो बा, कंटिन्यू करना है कराटे क्लासेस। तो अभी हार्दिक का नाश्ता हो गया। हाँ, सोचो कंटिन्यू करेंगे वीडियोस। तो चलिए बने रहे, सब कुछ शूट करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाहर मेरा प्लेट है। एक सेकेंड। तो अभी दिखाती हूँ कितने बजे। ये देख सकते हो अभी 8:15 हुए हैं। हार्दिक अभी स्नैक्स लिया है शाम का। स्कूल वगैरह बंद है, सुबह देर से उठेगा अभी, तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं। तो गाइस, शाम के स्नैक्स के बाद मैं बहुत टाइम तक सो गई थी। 8:15 तक तो आप लोगों से बातें कर रही थी, उसके बाद 9 बज गए थे तो मैं सो गई थी। अभी भी आ गए थे, हार्दिक के साथ खेल रहे थे और मैं सो गई थी। और जस्ट ही सो के उठ के खाना बनाने में लग गई हूँ। डिनर यहाँ पे मेरे चावल बन गए हैं और एक ऑमलेट, एक बॉयल कर रही हूँ अंडा के। अभी हार्दिक और मैं नहीं खाएंगे, ये हबी के लिए अंडा बॉयल कर रही हूँ। और यहाँ पे हार्दिक और हबी भी हार्दिक के साथ ही है और हार्दिक टीवी देख रहा है। और हम अभी अंडा नहीं खाएंगे क्योंकि दोपहर में खाया था ना, और इतना अंडा मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और हार्दिक के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी 10:15 बज गए हैं, मेरा डिनर अभी तक बना ही नहीं, देख सकते हो। तो 10:30 के करीब डिनर बन गया था मेरा और हार्दिक खा रहा है। और हार्दिक वैसे रोटी वगैरह स्नैक्स वगैरह खुद से खा लेता है, पर चावल खाने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो आजकल वो चावल भी खुद से खा लेता है, देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है। वैसे टाइम लेट हो गया बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना। तो सोने का टाइम हो गया है। ये है हार्दिक, मस्ती कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि गाइस को गुड नाइट बोलो, बट वो बोल ही नहीं रहा था। आज टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कितने बजे सोना है इतने बजे उठना है, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। अभी 11 या 11:30 बजे हुए होंगे, मैंने किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के सोने के लिए आ गई, तब तक हार्दिक सोया ही नहीं था, देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए उसको सुलाते हैं फिर मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, एकदम से सुबह सुबह आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। अभी बजे हैं 8, मैंने नहा धो लिया है, ब्रश भी कर रही हूँ अभी। और अभी हबी के लिए मुझे नाश्ता बनाना, ये देखिए हबी के लिए मैं रोटी बनाई, साथ में उनको पीनट बटर दी हूँ और एक काली चाय। और यहाँ पे हार्दिक भी उठ गया है 8 बजे के करीब, वो भी उठ गया है, 8:30 बजे है अभी। तो अभी तो खा पी के चले गए। यहाँ पे हार्दिक का नाश्ता मैं बना रही हूँ, वो रोटी के साथ उसको भुजिया चाहिए आलू की, तो मैं उसके लिए भुजिया रेडी कर रही हूँ और मैं भी उसी के साथ भुजिया के साथ ही खा लूँगी, आलू भुजिया के साथ ही रोटी खा लूँगी। और यहाँ पे हार्दिक खा के टीवी भी देख रहा है और मस्ती भी कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये आलू भुजिया रोटी हम दोनों का रेडी हो चुका है, तो चलिए खा लेते हैं। और ये देखिए समर वेकेशन स्टार्ट है और अभी तो दिमाग खराब होना स्टार्ट होगा
क्योंकि खाना खाने के मतलब सुबह के नाश्ते के तुरंत बाद ना हार्दिक अगर घर में रहता है तो खेलने में लग जाता है पूरा, पापा के बाहर उसको खेलने में खेलना होता है वो। और हमारे पास में छोटी बच्ची भी है ना हमारे पास की, तो देखिएगी तो उसके साथ खेलने के लिए मतलब रोज तो वो करेगा बदमाशी करेगा कि खेलना है खेलना है खेलना है। तो ये देख सकते हो खेल कूद के थोड़ा सा थक गया है तो यहाँ पे बैठ गया है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद। तो गाइस हार्दिक खेल कूद के बाहर से अंदर आ चुका है और ये देखिए मैंने बाहर जाते टाइम सब कुछ सेट करके गई थी सोफे वगैरह ये टॉयज वगैरह, अभी 12:30 बजे है तो फिर से ख़राब कर दिया पक्का ना, मेरा दिमाग तो अभी ख़राब होने वाला है क्या बताऊँ आप। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगी, 7-8 मिनट ही बहुत ज़्यादा है। और देखा है आप लोगों ने कल शाम से आज की आफ्टरनून तक मैंने वीडियो बनाई और नहीं करूँगी और न्यू वीडियो स्टार्ट करूँगी कल के लिए। अभी तो सब कुछ सेट करके बाहर गई थी और अभी हार्दिक ने फिर मैस कर दिया और इन सब को करने में इतना टाइम जाता है क्या बताऊँ क्या बताऊँ। और गर्मियाँ फिर से स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए फ़ैन के एकदम बगल में मैं बैठी हूँ, आप लोग को आवाज़ आ रही नहीं आ रही है कि नहीं पता नहीं। चलिए वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं लंच वगैरह का, तो कल के वीडियो से कल के वीडियो के लिए फिर से शूट करूँगी लंच के टाइम से। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अभी तो ऐसे ही डेली रूटीन दिखाई देगा क्योंकि समर वेकेशन तो घर में ही बनेगा, हम इतने भी रिच नहीं है इतने भी वो नहीं है कि समर वेकेशन में कहीं फॉरेन टूर पर चले जाए, घर में ही रहेंगे, समर वेकेशन का कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए। समर वेकेशन में उल्टा हमारा ज़्यादा काम ही होता है, काम बढ़ जाता है ना, ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है। तो चलिए अपना अभी रोना नहीं रोएंगे जो भगवान ने दिया है उसी पे खुश रहेंगे शांति से रहेंगे। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, होप कि आप सभी लोग का अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।